मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मंडी जिला में चुनावी प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया। जी सर, देखिए इस बार हमारे लोकसभा 2019 के चुनाव हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। 22 तारीख से पहले से नॉमिनेशन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। 30 तारीख तक जो है नॉमिनेशन एक्सेप्ट किए जाएगी और उसके उपरांत फिर 19 मई को हमारे वोट भी पड़ेगा। इसको लेकर के जिले में मैं पिछले कल बिलासपुर मैंने रिव्यू किया था, आज मैंने मंडी जिले का रिव्यू किया है और जो इलेक्शन रिलेटेड प्रबंध है उनको लेकर के विस्तृत में हमने दोनों जिलों में चर्चा करी है। जो हमारे चुनावी प्रबंध हैं, पुलिस के प्रबंध हैं, ईवीएम्स की स्टोरेज, काउंटिंग अरेंजमेंट्स, स्वीप एक्टिविटीज़, इन सभी के ऊपर बड़ी विस्तृत हमने चर्चा करी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा आपको हमें ज़रूर लाना चाहूँगा कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हमारे PWDs इनको लेकर के एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने और इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी विशेष प्रयास इस बार किए हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा दोनों जिलों को। मैं कल बिलासपुर था और आज मंडी में कि इन दोनों जिलों ने, जिलाधीशों ने और अन्य अधिकारियों ने बहुत मेहनत करी है। इनके नंबर्स बहुत जो हमारे पास दर्ज थे हमारे इलेक्टोरल रॉल्स में, पहले ये नंबर 18,000 के आसपास, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, विशेष मुहिम चलाकर सभी जिलाधीशों ने जो मेहनत करी वो नंबर बढ़ के 35,000 के आसपास हो गए, डबल हो गए। इनको हम इलेक्टोरल रोल में मार्क भी कर रहे हैं और एक नया ऐप ECI ने लॉन्च किया है जो कि PWD करके है, उसमें सारे PWDs को ये एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो किसी किस्म की फैसिलिटी चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, अगर पोलिंग बूथ पे भी जाना है, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो दे कैन मेक अ रिक्वेस्ट एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड देम विद ऑल फैसिलिटीज, चाहे व्हील चेयर है, चाहे एक्सेस है, हम उसका जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके माध्यम से प्रोवाइड करने का हम प्रयत्न करेंगे। इसमें जो जो हमारे हम यहाँ भी ये हम प्रयास कर रहे हैं कि पोल डे के दिन ऐसा रूट बनाएं कि जिन पोलिंग बूथों पर ज़्यादा PWDs होंगे उनको हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बसेस के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से हम करेंगे, जिसमें भी असिस्टेंस के लिए भी लोग होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है परसेंटेज को बढ़ाना, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना हमारा दायित्व है। पिछली बार इस जिले में 64% के आसपास और DC साहब ने आज कहा है कि हमारा कम से कम 30% का टारगेट उस जिले के लिए है और काफ़ी सारे प्रयास उन्होंने किए हैं, मुझे आज बताया है, शेयर किया है, एडवर्टीजमेंट्स और पैम्फलेट्स BLOs जा रहे हैं उनके माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा टारगेट है ये पूर्णतया अचीवेबल है। एक विशेष बात इस बार के इलेक्शन में ये है कि जो हम मतदाता पर्ची जो वोटर स्लिप हर पोलिंग हर इलेक्टोर को हम देते हैं वो अपने आप में वोट डालने के लिए पर्याप्त नहीं। ये जानकारी आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को ये देना चाहूँगा कि आपको जो वोटर स्लिप मिलेगी उसके अलावा जो 11 अन्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कृपया करके उसको ज़रूर लाएँ, अन्यथा वोट डालने में दिक्कत है। हमने अपने BLOs को भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी जब घर घर में जाएंगे वोटर स्लिप को देने के लिए तो वहाँ पर भी उनको इस बारे में अवगत करवाएंगे कि एक अतिरिक्त उनको अपना पहचान पत्र जो कि 11 की सूची है उसमें से लेकर के आना पड़ेगा। जिले के जो विभिन्न प्रबंध हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुलिस के भी हमने सारा रिव्यू किया, जो सीज़र है आपका, आर्म्स का जो डिपोजिशन है, जो NDPS के तहत में हमारी सामग्री है उसका भी काफ़ी हद तक जो सीज़र है वो चला हुआ है। हमारी जो वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं। 22 तारीख को इंडिकेशन होगी, उस दिन से हमारी जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं वो भी लग जाएंगी, नाके लग जाएंगे। उसके लिए मेरा आग्रह रहेगा आम जनता से कि जब भी वो एक अतिरिक्त मात्रा में जब धनराशि लेकर के चले तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें, जिससे कि उन्हें किसी किस्म की समस्या ना हो। आपके माध्यम से मैं एक अपील सभी वोटर से करना चाहूँगा कि 19 मई को
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निष्पक्ष तौर पर बिना किसी डर के या लालच के वो आकर के कृपया करके अपना वोट ज़रूर ज़रूर डालें। ये हमारे जनतंत्र को डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए मंडी से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट।